गाइज आज जो मेरे पास कार है ना वो है फॉक्सवैगन की वर्टस जीटी। अब वर्टस जीटी आप में से काफी सारे लोगों ने ड्राइव की होगी, मैंने भी इस पूरे वीक वर्टस जीटी को काफी ज्यादा ड्राइव कर लिया है। ऑलमोस्ट मैंने 700 से 800 किलोमीटर से ड्राइव कर लिया है। अब गाइज मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्हें ये चीज पता है कि मैं ऑलरेडी 8 साल से पोलो को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा डिटेल में पता है कि फॉक्सवैगन की जो कार्स है वो लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करती है और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं VW की कार से। तो मैं उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए डिटेल लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ कि मैंने जितने दिन इसे ड्राइव किया तो मैंने वहां पे क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की, क्या इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैंने देखे और क्या क्या चीजें आपके लिए हो सकता है डील ब्रेकर रहे और क्या क्या चीजें हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी अच्छी रहे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड में अगर आपके कोई और डाउट्स रह जाते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये है वर्टस जीटी और जीटी मतलब आपको पता होगा कि 1.5 लीटर का यहाँ पे आपको पावरफुल टीएसआई मोटर मिलती है जो प्रोड्यूस करती है नियरली 150 पीएस ऑफ पावर एंड 215 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब इंजन जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बट मैं आपको पहले इंजन की बात नहीं करता, मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस हमने इसमें किया और क्या क्या चीजें आपको इसमें पसंद आएंगी और क्या क्या बेसिकली आपको शायद कुछ ना पसंद आए। पहले तो कीज देख सकते हैं आप, इसकी कीज आपको कुछ ऐसी मिलती है, ये आपको वैसे तो फ्लिपेबल कीज मिलती है और VW की जो ओल्ड कार्स भी होती थी उसमें भी आपको कुछ इसी टाइप की फ्लिपेबल कीज मिलती थी, लेकिन गाइस अब आपको इसका यूज नहीं है, आप इसे फोल्ड करके पॉकेट में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पे डोर्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं और एक बार गाइस आप इसका लुक देख सकते हैं। लुक जो है वो बेसिकली सब्जेक्टिव होता है, मुझे पता है ये चीज, लेकिन गाइस अगर आप इसका डिजाइन देखेंगे ना, स्पेशली एक बार यहां से देखो आप साइड से, अगर आप इसका डिजाइन एक बार देखोगे तो आप ये चीज बोल पाओगे कि इसका जो डिजाइन है वो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा वेल प्रोपोर्शनेट लगता है। अब गाइस जब भी मैं वर्टस का नाम लूँ तो आप ऑटोमेटिकली स्लाविया भी उसमें समझ लेना, क्योंकि स्लाविया का डिजाइन भी जो है वो भी काफी ज्यादा पसंद आता है। बट यहाँ पे वर्टस के जो जीटी वर्जन में डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलॉय व्हील्स में जो डिफरेंस आता है ना वो आपको काफी ज्यादा स्पोर्टी अपील देता है। ब्लैक कलर के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं रेड कैलिपर्स के साथ और बहुत ही जबरदस्त लगती है कार देखने में, स्पोर्टी लगती है थोड़ी सी। बाकी ऑब्वियसली लुक्स हो सकता है सब्जेक्टिव लगे आपको और हो सकता है आपको लगे कि यार वरना मुझे ज्यादा पसंद है या सिटी ज्यादा पसंद है, तो आप मेक श्योर कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कि आपको कौन सी कार ज्यादा पसंद है, वर्टस या सिटी या वरना। मुझे तो पर्टिकुलरली वर्टस और स्लाविया जो है उस सेगमेंट में सबसे जबरदस्त लगती है। अच्छा फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जीटी की बैजिंग मिलती है जो कि बताता है कि इसमें आपको 1.5 लीटर का टीएसआई वर्जन मिलता है। इसमें आपको गाइस एक 1 लीटर वाला टीएसआई वर्जन भी देखने को मिल जाता है जिसके बारे में डिटेल में रिव्यू मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया है, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले मेरे पास 1 लीटर वाली टीएसआई वर्जन वाली कार रही थी एक वीक तक अप्रॉक्सीमेटली, उसे भी मैंने काफी ज्यादा ड्राइव किया था और वहां पे जाके मैंने आपको फिर रिव्यू दिया था उसका, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। तो मेजर जो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स होंगे ना वो काफी हद तक मिलते जुलते होंगे उससे ही। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो चीज आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग सकती है इतना प्राइस पे करने के बाद भी, यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो कि शायद मिसिंग आपको लगेंगे और लगेगा कि फ्यूचर में अगर फॉक्सवैगन इन फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर देता है ना तो इस कार को इस सेगमेंट में कोई और कार बीट नहीं कर सकती। सबसे पहला जो फीचर है वो है 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर, मतलब कि अगर आप इसमें 22 लाख रुपीस दे रहे हैं ऑन रोड दे रहे हैं स्पेशली टॉप वेरिएंट के लिए तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार 360 डिग्री कैमरा का जो फीचर है ना वो भी आपको मिले, और यहाँ पे फ्रंट पे आप देख सकते हैं आपको कैमरा नहीं मिलता है। अब दूसरी क्या चीज़ लगी मुझे, यहाँ पे आप साइड में देखेंगे ना तो फ्रंट में आप देख सकते हैं ये फ्रंट व्हील्स जो है इनमें आपको यहाँ पे मिलता है डिस्क ब्रेक्स, और रियर में देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। अब इतना प्राइस पे करने के बाद कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार काश इसमें ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन आ जाता तब थोड़ा सा बेटर होता, जैसे कि आपको फ्रंट में मिल रहे हैं। ऑल्दो ब्रेकिंग इसकी बुरी नहीं है, वो चीज मैं आपको ड्राइव करते दौरान बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि कुछ एड ऑन फीचर्स में जरूरी है जो कि इसे थोड़ा सा और वैल्यू फॉर मनी बना देंगे। अच्छा एक लास्ट फीचर है जो इसे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाएगा वो है एडास का। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको पता होगा कि आजकल ऑलमोस्ट सारी कार्स हमें एडास ऑफर कर रही है, बट अभी फॉक्सवैगन की जो इस प्राइस ब्रैकेट में जितनी भी कार्स है वो आपको एडास ऑफर नहीं कर रही है, जैसे कि वर्टस हो गई या इसकी कजन स्लाविया हो गई, उस टाइप की कार्स जो है। अब इन सबके अलावा अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात करूं तो वहां पे आपको डेफिनेटली ये कार इंप्रेस करने वाली है। शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इंजन जो है ना गाइस इसमें आपको 4 सिलेंडर यूनिट के साथ मिलता है, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यार इतना जबरदस्त इंजन है, मतलब कि अगर बात करें रिफाइनमेंट की तो रिफाइनमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लासी है इस इंजन की। नॉर्मली जो है VW की कार्स में आपको 3 सिलेंडर यूनिट वाले इंजन मिलते हैं जो 1 लीटर वाले होते हैं, वो चीज मैंने आपको बता दिया था कि उसमें जो रिफाइनमेंट होती है ना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन गाइस इसका जो 1.5 लीटर का TSI इंजन है ना वो काफी ज्यादा रिफाइंड है और आपको जो परफॉर्मेंस देता है ना वो भी अनबीटेबल देता है, परफॉर्मेंस मैं ड्राइव करते दौरान बताऊंगा। दूसरा जो मुझे अच्छा लगा इसका वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं, पीछे वाला स्पेस
तो ये जो है ना रियर सीट कंफर्ट जो है ना इस गाड़ी का वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मतलब कि ये आप देख सकते हैं, आपको जो अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, रेक्लाइन एंगल मिलता है और ये साइड बोलस्टिंग वगैरह मिलती है ना, ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबल बना देती है इस कार को। अभी जो है ये ड्राइवर सीट मैंने ऑल द वे बैक में एडजस्ट की थी, जिससे कि मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ वगैरह ले रहा था स्टीयरिंग की, बट ये जो ड्राइवर सीट है आप थोड़ा सा और आगे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे जो आपको नी रूम और लेग रूम मिलेगा ना वो बहुत ही ज्यादा एडिक्वेट है, मतलब कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी एसी वेंट्स मिल जाते हैं, टाइप सी के पोर्ट्स यार सही में बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आजकल काफी सारे मिस कर देते हैं मैन्युफैक्चरर, लेकिन यहाँ पे VW ने टाइप सी के पोर्ट्स पे काफी ध्यान दिया है। यहाँ रियर में मिलते हैं और फ्रंट में भी आपको मिलते हैं। बाकी इंटीरियर का जो क्लासीनेस है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। डोर्स की अगर क्वालिटी की बात करें तो डोर्स की क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिलती है, ये देख सकते हैं डोर जो है वो काफी ज्यादा हैवी फील होते हैं। दूसरा एक बार मैं आपको उसका इंजन एक बार दिखा देता हूँ कि किस टाइप का देखने को मिलता है इंजन। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको जो 1.5 लीटर का TSI इंजन मिलता है, ये 4 सिलेंडर यूनिट के साथ है और पैकिंग देख सकते हैं आप गाइस, आप इसकी कितनी जबरदस्त पैकिंग की है। और ये जो इंजन है ये बेसिकली काफी ज्यादा आइकॉनिक इंजन है Volkswagen ग्रुप का, जिसमें ग्लोबल लेवल पे काफी सारी कार्स जो है वो इस इंजन के साथ आती है। जैसे कि ये जो इंजन है वो इंडिया में जब इंट्रोड्यूस किया था तो सबसे पहले आया था T-Roc में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंसुलेशन तो नहीं मिलती है, इंसुलेशन होती तो थोड़ा सा और बेटर होता, बट यकीन मानिए इंसुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो इंजन है वो काफी ज्यादा रिफाइंड है। फ्रंट प्रोफाइल जो है वो काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक डिजाइन वाली लगती है, मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको शार्प लाइनिंग्स तो नहीं मिलेंगी जैसे कि हुंडई की कार्स में होती है, लेकिन जितना भी डिजाइन मिलता है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं इनका जो थ्रो है वो नाइट में काफी ज्यादा अच्छा है, ये आपको क्रोम दे रखा है यहाँ पे पूरी तरह से। और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी गाइज यहाँ पे मिसिंग है इस कार से, तो इस प्राइस ब्रैकेट में मेरे अकॉर्डिंगली फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दे दिए जाते तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता। अब ड्राइवेबिलिटी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन और क्या चीज मुझे इसकी पसंद आई वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाके। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि काफी ज्यादा वेल प्रोपोर्शनेट लगता है इसका डिजाइन, तो वो चीज आपको आगे से भी लगेगा, पीछे से भी लगेगा और साइड प्रोफाइल से भी आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इसका डिजाइन। बाकी मैं आपको एक बार इसका बूट दिखाता हूं। अब यहां पे आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 521 लीटर्स का। अब वैसे तो ये आप बोलेंगे यार सेडान्स में जो है वो बूट स्पेस तो ज्यादा ही होता है, इसमें कौन सी नई बात है? तो गाइस नई बात ये नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा बूट स्पेस मिलता है, नई बात यह है कि Volkswagen जो है वो आपको इसमें 60-40 स्प्लिट का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। आपको डोर ओपन किया, यहां से सीट को कुछ ऐसे फोल्ड किया, अब ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये फ्लैट हो चुकी है और यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास स्पेस बच जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो 521 लीटर्स का बूट स्पेस है वैसे तो इनफ है काफी ज्यादा लगेज को ले जाने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे पास कुछ ऐसा लगेज होता है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और हम जनरली लोग फ्रंट में ही पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इस केस में आप कर सकते हैं कि अपने लगेज को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं कि वो जो है वो लेंथ यहाँ पे इस एरिया में कवर हो जाए आराम से। तो ओवरऑल जो प्रैक्टिकलिटी पे Volkswagen ने फोकस किया है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जनरली क्या होता था कि Volkswagen जो है वो जर्मन स्टैंडर्ड्स पे अपनी कार पूरी तरह से बना देता था, तो इंडियन रोड्स का वो ध्यान नहीं रखते थे और इंडियन प्रैक्टिकलिटी का वो ध्यान नहीं रखते थे। तो इस वजह से क्या होता था कि नॉर्मली जब VW की कार्स को लोग लेते थे ना वो वही लोग लेते थे जो या तो फैन होंगे उसके या उस तरह के लोग होंगे जो हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहते हैं, जैसे कि पोलो हो गई, वेंटो हो गई, इस टाइप की कार वो लेना पसंद करते थे। लेकिन गाइस वर्टस और स्लाविया जैसे कि VW ग्रुप की आई हैं, तब से क्या हुआ है कि नॉर्मल जो फैमिली लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में स्पेस अच्छा हो, फीचर अच्छे हों, लुक्स अच्छे हों, वो भी इसे ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यार हम ग्राउंड क्लियरेंस को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में जो रोड्स हैं वो सबसे पहले टेंशन हमें दे देती है, स्पेशली अगर हम सेडान्स की बात करें। इस वजह से नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग ना सेडान्स लेने से आजकल बचते हैं और सोचते हैं कि यार हम कोई SUV टाइप की कार ले, लेकिन गाइस यहाँ पे आप एक बार इसका ग्राउंड क्लियरेंस चेक करें, 179 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, मतलब कि इतना जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस सेगमेंट की कोई और कार तो छोड़ो आपको नॉर्मली सेडान्स में मिलता ही नहीं है इतना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ से आपको नीचे देख के ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मैं इसे होम टाउन भी ले गया था अपने और मैंने सिटी में भी इसे ड्राइव किया, बैड रोड्स पे भी ड्राइव किया, ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत कर ली इससे, ऑल द फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, लेकिन गाइस यकीन मानिए कहीं से भी इसकी अंडर बेली टच होती ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है ड्राइव करने में। हाँ अगर आप उस टाइप के एरिया में ले जाएंगे इसे जहाँ पे SUVs को ही ले जाना पड़ता है जनरली, तब जाके हो सकता है अंडर बेली जो है वो इसकी टच हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादा सेडान्स होती हैं उनकी जो अंडर बेली जैसे इजीली टच हो जाती है वैसी चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और हो सकता है इस चीज़ की वजह से भी आप सेडान्स को लेने से खतराएं नहीं, मतलब कि आपको ऐसा ना लगे कि यार मुझे SUV लेनी है अगर आपको बैड रोड्स पर ड्राइव करना है अपनी कार को। तो बाकी एक बार मैं आपको उसका इंटीरियर भी चेकआउट करा लेता हूं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीरियर जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मिलते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देखेंगे ना डैशबोर्ड वाला पार्ट, यहाँ पे आपको रेड कलर का जो ये हाईलाइट दे रखा है ना ये बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी डिजाइनर्स ऑफर करता है। और साथ ही साथ ये जो वर्चुअल कॉकपिट है, एक बार मैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाऊंगा,
ये देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाने के बाद ये जो वर्चुअल कॉकपिट ऑन होता है ना इसका बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लगता है। और जिन लोगों को नहीं पता कि इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन कहाँ है, कुछ यहाँ पे प्लेस किया है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये है DSG ट्रांसमिशन, फॉक्सवैगन का जो आइकॉनिक DSG ट्रांसमिशन आता है ना 7 स्पीड का, वो वाला इसमें मिलता है आपको। अब ऑल्दो फॉक्सवैगन ने रिसेंटली इसमें एक मैनुअल ट्रांसमिशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा बजट को अपना स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, कि दूसरा मैनुअल ट्रांसमिशन उन लोगों को ज्यादा पसंद आता है जिन्हें चाहिए कि हमें पूरा कंट्रोल रहे, मतलब कि हम हर तरह से इसका गियर चेंज करें। ऑल्दो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं और आप इन पैडल शिफ्टर्स का यूज करके मैनुअल वाला ही फील ले सकते हैं, लेकिन गाइस यकीन मानिए जो एक कन्वेंशनल मैनुअल ट्रांसमिशन होता है ना उसके मजे अलग होते हैं। और जिन लोगों को मैनुअल पसंद है तो वो यार DSG ले लो या CVT लो, इस टाइप के ट्रांसमिशन लेते ही नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट है किसी तरह का ट्रांसमिशन में, तो मैं आपको बता दूं कि जो DSG ट्रांसमिशन होते हैं ना या DCT कह लो Hyundai के, ये काफी ज्यादा क्विक होते हैं। मतलब और ऊपर से VW की जो लीगेसी रही है ना डुअल क्लच ट्रांसमिशन में, वो यार काफी ज्यादा कमाल की रही है। मतलब कि काफी टाइम से फॉक्सवैगन जो है वो DSG ट्रांसमिशन ऑफर करता आया था, अपनी पोलो में आता करता था, वेंटो में करता था। अब बात करते हैं ये AC वेंट्स की। जो AC वेंट्स है इसका पर्टिकुलरली डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव चॉइस है। लुक्स ये आप देख सकते हैं, आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक मिलता है। और मैं पर्सनली पोलो को ओन करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हमेशा फॉक्सवैगन की कार से, स्पेशली इंटीरियर वाइज। लेकिन गाइज मुझे पर्टिकुलरली वर्टस, टाइगून, स्लाविया का जो इंटीरियर है वो पुरानी वाली फॉक्सवैगन ग्रुप की कार्स के कंपैरिजन में स्लाइडली लो क्वालिटी वाला लगा। ऑल्दो इस आप ये मत समझना कि यार मैं ये इंटीरियर की बुराई कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पुरानी वाली जो फॉक्सवैगन की कार्स आती थी जो कि हाईली लोकलाइज्ड करके नहीं बनाई जाती थी, उनमें जो इंटीरियर की क्वालिटी होती थी ना वो यार अनबीटेबल होती थी। अब यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, ये न्यू वाला लोगो मिलता है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स के बटन्स मिल जाते हैं, वॉइस कंट्रोल्स के, ये वॉल्यूम बटन आपको मिल जाता है, बाकी ये MID के कंट्रोल्स है, हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं, हेडलाइट्स लेवलर मिल जाता है। कि ओवरऑल जो आप इसका इंटीरियर चेकआउट करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा लगने वाला है इसका इंटीरियर। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका जो टच रेस्पॉन्स है ना वो इतना ज्यादा कमाल का है, मतलब कि जहां पे आप टच करो तो आप आराम से देख सकते हैं बिल्कुल ही सीमलेस तरीके से वर्क करता है। देखो कितना स्मूथ है, मतलब सीमलेस लगेगा और बिल्कुल ही स्मूथ फंक्शनिंग करता है, तो आपको किसी भी तरह का लैग फील नहीं होगा इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इसके अलावा पैडल्स देखेंगे ना गाइस, तो यहाँ पे आपको एल्युमिनियम में आपको पैडल्स मिलते हैं, काफी ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं, ग्रिप भी इनकी काफी जबरदस्त है, और ये आपको डेड पैडल मिलता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डोर्स की क्वालिटी है, ये वाली फिट एंड फिनिशिंग है, ये थोड़ी सी और इंप्रूव की जा सकती थी। फिर भी गाइस हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यार हमारी कार की क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो थोड़े से कम भी हो जाए, लेकिन गाइस सेफ्टी में ना किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए, और यही चीज में ये डिफरेंस क्रिएट कर देती है, क्योंकि ये जो कार है वो करेंटली इंडिया की सेफेस्ट कार्स में से एक है। और यकीन मानिए सेगमेंट तो छोड़िए, इंडिया में जो भी मेड इन इंडिया कार्स है जो कि पर्टिकुलरली इंडिया में बनाई गई है लोकलाइज्ड करके, उनमें से कोई भी कार ऐसी नहीं है जिसने इतने अच्छे स्कोर और इतने अच्छे पॉइंट अचीव किए हों क्रैश टेस्ट में किसी, और इसने ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटिंग अचीव की है, वो भी ग्लोबल एनकैप के न्यू वाले टेस्ट प्रोटोकॉल्स के अंदर जो कि काफी ज्यादा और स्ट्रेंजेंट थे पहले के कंपैरिजन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था रियर सीट जो कंफर्ट है ना वो भी काफी ज्यादा अल्टीमेट है, फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, पूरी तरह से फ्लैट नहीं है, बट इतना है कि आप थर्ड पैसेंजर अब यहाँ पे बैठ पाएगा। अच्छा, ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, तो ओवरऑल आपको जो इंटीरियर की क्वालिटी मिलती है वो डिसेंट मिलती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जबरदस्त जो चीज आपको लगने वाली है वो क्या लगेगी इसमें। इंजन जो है गाइस वो इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो चीज आपको इंप्रेस करेगी वो ये करेगी कि इसकी रिफाइनमेंट जो है इंजन की वो काफी ज्यादा अच्छी है। दूसरा, ये वाला जो DSG ट्रांसमिशन है ना फॉक्सवैगन का, ये काफी ज्यादा क्विक है। अब इस साइज की कार के हिसाब से 250 Nm का जो टॉर्क है वो काफी ज्यादा अच्छा है। ऑल्दो वर्ना में जो है वो आपको 253 के अराउंड टॉर्क मिलता है, और पावर जो है उसमें आपको 160 PS की मिलती है, यानी कि 10 PS उसमें ज्यादा मिलती है। लेकिन फिर भी अगर बात करें दूसरे फैक्टर्स की, तो यहाँ पे आपको जो ड्राइविंग डायनेमिक्स मिलते हैं ना वो वर्ना के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये चाहते हैं कि यार परफॉर्मेंस आपको अच्छी तो मिले लेकिन साथ में माइलेज भी अच्छी मिले, तो फॉक्सवैगन ने इसमें ACT टेक्नोलॉजी दी है, यानी कि एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी है, जो कि नॉर्मली तब वर्क करती है जैसे मैं अभी क्रूज कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 2 सिलेंडर मोड, क्योंकि अभी जो है वो मैं एक्सेलेटर बहुत ज्यादा हार्शली प्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये जो कार है वो 2 सिलेंडर को डीएक्टिवेट कर देती है और चलती है 2 सिलेंडर पे, तो इस वजह से ऑब्वियसली जो लोड होता है इंजन पे वो काफी कम हो जाता है और माइलेज जो होती है वो थोड़ा सा आपको बेटर मिलने लग जाती है। बट ओवरऑल अगर आप इसे सिटी में ड्राइव करेंगे तो सिटी में आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आपको दे देगी, अगर आप इसे बहुत ज्यादा एक्सेलेट नहीं करते हैं, हो सकता है कुछ केसेस में थोड़ा सा और ज्यादा भी हो जाए,
लेकिन अगर आप हाईवे पे से ड्राइव कर रहे हैं तो हाईवे पे जो उसकी मैक्स टू मैक्स माइलेज रहेगी वो समवेयर अराउंड रहेगी 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर की। कहने का मतलब गाइस ये है कि अगर आपको जेन्युइनली माइलेज निकालना आता है ना किसी कार से तो आप इससे भी डेफिनेटली माइलेज निकाल लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1.5 लीटर का यहाँ पे आपको जो पावरफुल TSI मोटर मिलता है ये माइलेज आपको नहीं देगा। अगर आप इस तरह से ड्राइव करेंगे 2 सिलेंडर मोड पे तो आपको माइलेज दे देगा। तो अब छोड़ते हैं 2 सिलेंडर मोड को, एक्सेलरेट करता हूं मैं। तो डी मोड पे क्या होता है ना, इसका जो इंजन है वो रेव करने लग जाता है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से वोकल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसे एस मोड पे ड्राइव करता हूँ, ये देख सकते हैं हम एस मोड पे है, और एस मोड पे गाइस इतना सीमलेसली ड्राइव होती है ना गाड़ी, मतलब कि आपको ओवरटेक करने के लिए बिल्कुल भी आपको थ्रॉटल को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप थोड़ा सा भी इसे थ्रॉटल को प्रेस करके रखेंगे बहुत ही इजीली आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर लेंगे। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो अभी बारिश हो रही है आप देख सकते हैं, तो ब्रेकिंग जो है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऑल्दो मैंने जैसे आपको बताया था कि यार ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स होते हैं इस कार में तो थोड़ा सा और बेटर रहता है। पावरफुल कार को अगर हम ड्राइव कर रहे हैं यार तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स का होना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। अच्छा स्टेयरिंग की बात करते हैं गाइज, तो स्टेयरिंग जो है वो पुरानी वाली फॉक्सवैगन की कार्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइटर साइड में है और आप आराम से भी लिटरली 2 फिंगर से भी इसे टर्न कर सकते हैं। ऑल दब करना मत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी MID में यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि एवरेज इकोनॉमी कितनी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.5 किलोमीटर पर लीटर की यहाँ पे एवरेज इकोनॉमी दिखा रहा है, क्योंकि अभी हम सिटी में बेसिकली से ड्राइव कर रहे थे और मैं ऐसे हार्श एक्सेलरेशन करके ला रहा था तब से, तब जाके ये जो है वो 11.5 किलोमीटर की दिखा रहा है, अभी शो कर रहा है। मोटा मोटा तौर पे आप ये मान सकते हैं कि अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी के लिए अगर कोई कार लेना चाहते हैं तो शायद ये कार उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ना रहे। दूसरी जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इतने दिनों से ड्राइव करते हुए, मैं इसे होम टाउन लेके अपने फ्रेंड्स के साथ भी मैंने इसे ड्राइव किया और इनफैक्ट मेरी फैमिली जब इसमें बैठी तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ कही कि यार हम जैसे हमारे पास पोलो है पुरानी तो उसमें क्या है स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट पोलो ही क्या, अगर आप वेंटो भी देखते ना पुरानी वेंटो या रैपिड टाइप की कार्स भी देखते स्कॉडा की, तो उसमें भी आपको स्पेस का थोड़ा सा इशू रहता था। तो इस वजह से इंडियन फैमिलीज क्या होते हैं ना कि स्पेस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करती है यार, वो सोचते हैं कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यार स्पेस तो इतना मिले गाड़ी में, तो वो चीज़ उन कार्स में आपको पुरानी वाली फॉक्सवैगन की कार्स में आपको देखने को कमी मिलती थी थोड़ी सी। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको जो स्पेस मिलता है वो अल्टीमेट है, मतलब कि आप देख सकते हैं एक बार आप पूरा व्यू देख सकते हैं, आपको ड्राइव करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेयरिंग फीडबैक जो है उसका काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और हाई स्पीड में भी जब आप इसे ड्राइव करते हैं ना तो गाड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होकर चलती है। इसके अलावा इस बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो मैंने आपको बताया था कि 179 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि अपनी सेगमेंट तो छोड़ो सेडान्स में होता ही नहीं है। तो जनरली एक डाउट हमारे दिल में आ जाता है यार कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार हाई स्पीड स्टेबिलिटी में किसी तरह का इशू हो, बट फॉक्सवैगन ने जो उसके सस्पेंशन की ट्यूनिंग की है ना गाइज वो बिल्कुल ही अल्टीमेट की है, मतलब कि ग्राउंड क्लियरेंस को परफेक्टली सिंक कर लेती है इसकी सस्पेंशन की ट्यूनिंग और काफ़ी ज़्यादा स्टिफर साइड में इसके सस्पेंशन, जिसकी वजह से ये जो कार है वो किसी भी तरह से बाउंस नहीं करती है ना किसी तरह का आपको बॉडी रोल फील होता है ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने के बाद भी। ये थोड़ा सा ना वोकल हो जाता है जब हम इसे हाई स्पीड में ड्राइव करते हैं, ऑल दो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। क्या होता है ना कि डी मोड पे इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रेव करने लग जाता है, मतलब कि आपको लगेगा कि शायद ये अननेसेसरीली थोड़ा सा रेव कर रहा है या वोकल हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे एस मोड पर डालता हूँ, ये देख सकते हैं आप एस मोड पर डाला और एस मोड पे गाइस जो इसकी परफॉर्मेंस हो जाती है ना वो अनबीटेबल है, मतलब कि इतना ज़्यादा मज़ा आता है आपको इसे ड्राइव करने में, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी हैचबैक को ड्राइव कर रहे हैं जो कि आराम से कट मार के इधर से उधर निकल रही है। ये इंजन क्या होता है एक्सेलेरेटर प्रेस करते हैं और ये इट्स कीप्स पुलिंग 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 पुलिंग, मतलब कि ऐसा लगता है कि एक नेवर एंडिंग पुल आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसे ड्राइव करके। बात करते हैं अगर इसके राइवल की, जैसे आपको वरना में भी आपको 1.5 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है तो वो चीज़ भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन गाइस जो यहाँ पे आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी स्टिफ सस्पेंशन ट्यूनिंग और साथ ही साथ ज़बरदस्त स्टेयरिंग फीडबैक का पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, वो चीज़ शायद मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि वरना में आपको नहीं मिलती है। तो ओवरऑल वीडियो को अगर हम पूरी तरह से कंपाइल करें तो कमियां जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कुछ फीचर्स की, और जो लास्ट कमी है वो ये हो मान सकते हैं आपकी माइलेज के लिए, अगर आप देख रहे हैं इस कार को तो माइलेज के लिए पर्टिकुलरली ये कार इतनी ज़्यादा आपको शायद पसंद ना आए। बट हाँ अगर आप इसे नॉर्मली क्रूज करते हैं 2 सिलेंडर मोड पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था उस तरह से इसे ड्राइव करते हैं तो डेफिनेटली माइलेज जो है वो आपको अच्छी खासी निकाल के दे देगी। अब बाकी आप मुझे नीचे जो कमेंट्स बताइए कि कैसी लगी आपको फॉक्सवैगन वर्टस का ये 1.5 लीटर वाला TSI वर्जन। अगर आप उन लोगों में से हैं जो थोड़ा सा कम प्राइस में इस वर्टस के मज़े लेना चाहते हैं तो आपके पास 1 लीटर वाला इंजन वाला वर्जन भी बच जाता है,
उस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं इस कार को एंजॉय करता हूँ और आप वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।